फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स का क्वार्टर फोर का रिजल्ट आ गया है और कोविड-19 की इतनी बड़ी विपदा के बावजूद भी क्वार्टर फोर का रिजल्ट अच्छा है, जो अप्रिशिएट करने जैसा है। पिछले साल से इस साल काफ़ी कर्ज में भी कमी हुई है। जैसे कि टाटा मोटर ने पहले ही अपना सपना देखा है कि 3 साल में पूरी तरह से कर्ज मुक्त करना है कंपनी को, तो उसकी तरफ एक बड़ा कदम इस बार देखने को हमें मिल रहा है। तो रिजल्ट अच्छा है और इस समय आगे क्या संभावना बन रही है, तो बहुत सारी जो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है उनकी तरफ से राय निकल के आ रही है टाटा मोटर को, तो उसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। साथ में फ्रेंड्स, टाटा मोटर ने मानवता की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो क्या है वो न्यूज़, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में फ्रेंड्स, टाटा मोटर और टाटा पावर ने मिलकर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, क्या है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी न्यूज़ है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। साथ में फ्रेंड्स, आज के टाटा मोटर के कारोबार को भी डिस्कस करेंगे और स्टॉक फिर से ऊपर जाके नीचे की तरफ आ चुका है। फिर से ये स्टॉक 300 के आसपास है, यानी 306 रुपये 8 रुपये के आसपास है, तो क्या इस लेवल पे ख़रीदारी करनी चाहिए या फिर अभी हमें इंतज़ार करना चाहिए, स्टॉक में और करेक्शन आ सकता है, तो सारी की सारी संभावना हम इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज के कारोबार को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आज बाज़ार नरम था, बाज़ार में बड़ी तेज़ी नहीं बनी और इस वजह से गिरावट थोड़ी सी टाटा मोटर के शेयर में भी हुई है। फ्रेंड्स, स्टॉक ओपन हुआ 316 पर, पूरे दिन की यही हाई थी और यहाँ से फिर स्टॉक लो में चला गया और 306 का इसने लो बनाया और एंड में जो क्लोजिंग आई वो है 308 पर, 2.05% डाउन पर क्लोजिंग आई है। वॉल्यूम की अगर बात करें तो BSE में 39,43,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 7,77,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज 19.72% है। NSE की बात कर लेते हैं, 4,72,02,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 99,04,000 की डिलीवरी उठाई गई, डिलीवरी का परसेंटेज 20.98% है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, टाटा मोटर का क्वार्टर फोर का रिजल्ट आ गया है और टाटा मोटर्स ने क्वार्टर फोर में कंसोलिडेटेड नेट लॉस जो है उनका कम हो चुका है, जो अब 7,605 करोड़ रहा है। पिछले साल इसी तिमाही में ये जो कंपनी का नेट लॉस है वो था 9,894 करोड़, तो काफ़ी कर्ज में उन्होंने कमी कर ली है और क्वार्टर फोर में स्टैंड अलोन 1,646 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट कंपनी को हुआ है, तो बड़ा प्रॉफिट मिला है कंपनी को क्वार्टर फोर में, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में 4,871 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ था। तो पिछले साल टाटा मोटर को 4,871 करोड़ का लॉस था, उसकी जगह पे कंपनी ने इस बार 1,646 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, तो एक बहुत बड़ा जंप है और जो रिजल्ट में हमें साफ दिख रहा है कि टाटा मोटर ने एक साल के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट की है और टाटा मोटर के शेयर में जैसे हमने कल्पना की थी उसी हिसाब से लगातार प्रोग्रेस बढ़ रहा है। आने वाले समय में टाटा मोटर का शेयर जरूर कमाल करेगा और क्वार्टर फोर में कंपनी की आय 41.7% बढ़कर 88,628 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी की आय 62,492 करोड़ की थी, तो कंपनी की आय में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, करीब 41% के ऊपर बढ़ोतरी हुई है, तो रिजल्ट अच्छा है और काबिले तारीफ है और इस रिजल्ट के दम पे हम कह सकते हैं कि स्टॉक बहुत जल्द आराम से, अगर हम 2 साल का नज़रिया लेके चलेंगे तो ये 1,000 तक स्टॉक जाएगा, क्योंकि आगे स्क्रैपेज पॉलिसी भी आने वाली है। साथ में टाटा मोटर और टाटा पावर ने मिलके हाई स्पीड चार्जिंग स्टेशन लगाने शुरू कर दिए, इस वजह से टाटा मोटर के शेयर में और तेज़ी बनेगी। तो अब चलते हम ब्रोकरेज फर्म की तरफ, जानी मानी ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की तरफ से क्या राय निकल के आ रही है टाटा मोटर के ऊपर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CLSA की। CLSA ने टाटा मोटर पर ख़रीदारी की रेटिंग दी है और शेयर का टारगेट उन्होंने 450 का रखा है, तो रिजल्ट के बाद में टारगेट उन्होंने 450 का तय किया, जो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। सिटी की तरफ से टाटा मोटर पर ख़रीदारी की रेटिंग दी गई है और शेयर का लक्ष्य उन्होंने रखा है 395 रुपीज़, तो सिटी की तरफ से भी शानदार ख़रीदारी की राय दी जा रही है। UBS की तरफ से टाटा मोटर पर न्यूट्रल रेटिंग दी गई है और शेयर का लक्ष्य उन्होंने 360 रुपीज़ रखा है, तो उनका टारगेट भी 350 के ऊपर है, जो एक अच्छी बात है। नोमुरा की तरफ टाटा मोटर की जो रेटिंग थी उसको रिड्यूस कर दिया है और शेयर का लक्ष्य उन्होंने 313 कर लिया है, तो नोमुरा की तरफ से थोड़ा रेटिंग नीचे है। गोल्डमैन सेक्स की बात कर लेते हैं, तो गोल्डमैन सेक्स ने
टाटा मोटर पर बिकवाली की रेटिंग दी है और शेयर का लक्ष्य उन्होंने 254 रखा है। तो काफ़ी समय से हम देख रहे हैं गोल्डमैन सैक्स लगातार सिर्फ इसके ऊपर बिकवाली की ही सलाह दे रहे हैं। पहले भी उन्होंने टाटा मोटर के जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट के पहले भी उन्होंने यही कहा था, लेकिन स्टॉक उसके बाद दौड़ा था। और कोटक इक्विटी की तरफ से टाटा मोटर पर राय दी गई है कि भारतीय कारोबार में उम्मीद से बेहतर रहा है, JLR का बिजनेस प्रदर्शन से कमजोर रहा है थोड़ा, और मैनेजमेंट ने JLR और भारतीय कारोबार को सतर्क कमेंट्री की है। हालांकि JLR और भारतीय कारोबार के कैश फ्लो से सरप्राइज हुए हैं, वही फाइनेंशियल ईयर 2020 की दूसरी छमाही में बेहतर वॉल्यूम और कैश फ्लो संभव है। तो इस तरफ से उन्होंने भी खरीदारी की सलाह दिया कोटक इक्विटीज की तरफ से। तो जितने भी ग्लोबल जो ब्रोकरेज हाउस है या फिर हमारे हिंदुस्तान के ब्रोकरेज हाउस है वो टाटा मोटर में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। और फ्रेंड्स, एक और जो बड़ी अपडेट निकल कर आई है, टाटा मोटर्स और टाटा पावर ने मिलकर हाई स्पीड चार्जिंग स्टेशन भुवनेश्वर और कटक में स्थापित कर लिए। ये जो हाई स्पीड की जो चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पर अगर नेक्सॉन ईवी अगर आप चार्ज करते हो तो एक घंटे के समय के दरमियान ही आपकी बैटरी को 80% चार्ज कर सकता है। तो यानी अगर कोई भी सफ़र में है और लंबे टूर पे निकले हैं तो वो कहीं पे भी अगर खाना खाने के लिए रुकते हैं तो उतने समय में, यानी एक घंटे के लिए अगर वो अपना खाना पूरा ख़त्म करेंगे तब तक उनकी बैटरी लगभग 80% चार्ज हो गई और फिर से 250 से लेकर 300 किलोमीटर दौड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। तो बहुत ही एक बड़ी अचीवमेंट है, लगातार जो है अपनी नेक्सॉन ईवी के कारोबार को बढ़ाने के लिए वो अलग अलग जगह पे हाई स्पीड चार्जिंग स्टेशन की स्थापना कर रहे हैं और इस वजह से नेक्सॉन ईवी का कारोबार भी लगातार बढ़ रहा है और बाज़ार में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन गई है नेक्सॉन ईवी। फ्रेंड्स, जो दूसरी न्यूज निकल कर आई है वो बहुत ही ज़्यादा दिल को छूने वाली है। मतलब आपको पता ही होगा, पहले से टाटा मोटर देश के प्रति अपनी भावना हमेशा व्यक्त करने में आगे रहते, जहाँ पे भी जरूरत पड़ती है मुसीबत के वक्त में टाटा ग्रुप सबसे आगे रहता है। और इस बार जब टाटा ग्रुप ने अपने COVID-19 की वजह से जो अपने एम्प्लॉयज़ की डेथ हो गई है उनके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए बहुत बड़ा एक स्टेप लिया है, तो जो उनके एम्प्लॉयज़ जिनकी डेथ हो चुकी है COVID-19 की वजह से, उनके परिवार को पूरे 20 महीने की पूरी की पूरी सैलरी एकमुश्त एक साथ में दी जाएगी। साथ में उनकी जो बेसिक सैलरी है उसका 50% अलग से उनको दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा मानवता भरा कदम उठाया गया टाटा मोटर की तरफ से, जो ये साबित करता है कि कंपनी अपने कारोबार के साथ में अपने एम्प्लॉयज़ की कितनी केयर करती है, जो एक बहुत बड़ी कंपनी की एक पहचान साबित होती है। और देश के लिए भी टाटा मोटर लगातार अपनी तरफ से इस COVID-19 के द्वारा जितनी हो सके उतने हर संभव कोशिश कर रही है मदद देने की। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, टाटा मोटर ने बड़े फंड रेजिंग की प्लानिंग कर ली है, यानी आने वाले समय में जो कारोबार उन्होंने अलग कर लिए है PV बिजनेस और कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस, तो उसको अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बड़े फंड की जरूरत है, उसको फंड रेजिंग की प्लानिंग उन्होंने कर ली है। तो आने वाले समय में बड़ा फंड आएगा और कारोबार और आगे बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और जैसे कि इनकी प्लानिंग थी कि किसी दूसरे पार्टनर को साथ में जोड़ा जाए बिजनेस में, लेकिन अभी फिलहाल उनको ऐसा कोई पार्टनर नहीं मिला, तो वो फंड रेजिंग करने जा रहे और इस वजह से दोनों कंपनी अच्छे से चल पाएगी। तो एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया गया है और इस वजह से हमें लगता है कि टाटा मोटर में बिल्कुल निवेश करना चाहिए। और फिलहाल फ्रेंड्स, ये स्टॉक 300 के ऊपर है तो अभी भी इसमें तेज़ी की संभावना दिख रही है। यहाँ से भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत अच्छा आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। और मैंने आपको बार बार बोला है, आपका नज़रिया सिर्फ 2 साल का रखे, आपको 1000 तक स्टॉक जाते हुए दिखाई देगा और ये स्टॉक आने वाले समय में आपको मालामाल करेगा, क्योंकि इसका जो अब स्क्रैप पेज पॉलिसी सरकार की घोषणा हो चुकी है। आने वाले समय में ऑटो सेक्टर के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं और उस समय निवेश में आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट डेफिनेटली मिलेगा। तो इस समय आपको टाटा मोटर में निवेश करना चाहिए और हर गिरावट पे आपको खरीदारी का मौका मिलता है, आपको खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।